हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है अब्दुल मजीद पर। और दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब बहुत बढ़िया होंगे। और दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ आधार कार्ड के बारे में। हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं, आधार कार्ड के बारे में बात करने जा रहा हूँ। दोस्तों, आधार कार्ड के बारे में सुप्रीम कोर्ट से ऐसा कुछ राय आया, ऐसा कुछ फैसला आया कि आधार कार्ड आपको कहाँ कहाँ ज़रूरी नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में पूरा पूरे बने रहे और आप जानकारी ले लीजिए कि आपको आधार कार्ड कहाँ कहाँ मांगे, तो अगर आप नहीं भी देते तो चलेगा। तो इस वीडियो को पूरा पूरी देखते जाइएगा और आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट से जो ये आया है, इसके बारे में जो राय आया है, जो सुप्रीम कोर्ट से बोला गया है, तो वो आपको फुल्ली इसमें हम बताने वाला हूँ। तो वीडियो में आप बने रहें। अगर मेरा चैनल में न्यू है तो मेरा चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि ऐसे न्यू न्यू चीज़ें और जानकारी आपको इस चैनल से मिलेगा। तो और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अगर वीडियो पसंद आते हैं तो, ठीक है दोस्तों। तो जहाँ जहाँ पर आधार कार्ड ज़रूरी नहीं है, तो चलिए आगे जाके आपको मैं फुल्ली बता देता हूँ। और दोस्तों, ये जो कहना है ये मेरा कहना नहीं, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट से आया है बोल के आप लोगों से मैं शेयर कर रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों, चलिए जो एक नंबर में, जैसे कि इसका आधार कार्ड जहाँ पर नहीं चाहिए, एक नंबर होता है दोस्तों स्कूल में, ठीक है। दोस्तों, स्कूल में नाम लगाने का टाइम में आपका आधार कार्ड वहाँ पर ज़रूरी नहीं है। और इस आधार कार्ड को बनाने के लिए अपना जब वो खुद समझदार हो जाएगा, जैसे कि ये 14 साल 15 साल का हो जाएगा, उस टाइम में आधार कार्ड खुद बना सकते हैं और इसके बारे में वो खुद डिसीजन ले सकते हैं जो आधार कार्ड उसको बनाना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो इसीलिए ये ऐसा ही कर दिया कि आपका ये आधार कार्ड स्कूल में नाम लगाने का टाइम में ज़रूरी नहीं है। दो नंबर में है जैसे कि मोबाइल नंबर, ये मोबाइल नंबर के साथ अगर आपको आधार कार्ड किसी ने लिंक करने के लिए बोलता है, यानी कोई कंपनी से मैसेज आता है कि आधार के साथ, मेरे आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर के साथ लिंक कर लो, तो ये आपको नहीं करना है, क्योंकि ये अभी बंद हो चुका है आधार कार्ड के साथ लिंक करना, क्योंकि आधार कार्ड लिंक उसका साथ ज़रूरी नहीं है ऐसा कहना है, ठीक है दोस्तों। तो मोबाइल नंबर के साथ नहीं करना। तीन नंबर है, बैंक के साथ आपका आधार कार्ड लिंक करना ज़रूरी नहीं है। तो दोस्तों, जिन लोगों ने पहले करके रखा है उन लोगों तो कर लिया, लेकिन जिसने नहीं करा है उन लोगों को ये और ज़रूरी नहीं पड़ेगा आधार कार्ड बैंक से लिंक करने का। और दोस्तों, चार नंबर में CBSE, NEET, UGC में आपका आधार कार्ड लिंक करना ज़रूरी नहीं है, और ये इसमें भी आपको आधार कार्ड के साथ लिंक करना ज़रूरी नहीं है दोस्तों। और जो पाँच नंबर है उसमें है कि कोई भी पर्सनल कंपनी वाला आपका आधार कार्ड नहीं मांग सकते हैं, क्योंकि आधार कार्ड में हार्ड डिटेल्स रहते हैं। ये यही चाहते हैं कि अपना पर्सनल डिटेल्स कोई देख ना पाए, इसीलिए कोई पर्सनल कंपनी वाला आपका आधार कार्ड नहीं मांग सकते हैं। तो यही था आप लोगों को कहने का। अगर वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे अपना दोस्त बना के रखिएगा। सो थैंक यू।